माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अमृत काल में जब हमारे 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, हमें एक विकसित देश बनना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस गति के साथ काम हो रहा है, हम विकसित देश 2047 से पहले ही बन जाएंगे। उन्होंने साथ में यह भी कहा है कि हमें जो अपना कॉलोनियल माइंडसेट है उससे छुटकारा लेना है। देखिए, बकायदा हमारे 2047 में वी मे बी ओनली 100 ईयर्स ओल्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, पर हमारी जो संस्कृति सभ्यता है ये 5000 या 7000 वर्ष पुरानी है। दो दुनिया में एंशियंट सिविलाइजेशन मानी जाती हैं, जैसे चीन की सिविलाइजेशन या मेसोपोटामिया में, वेस्ट एशिया में इजिप्शियन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन। मैं आपको बताना चाहता हूं, इन तीनों में से हमारी एक लिविंग सिविलाइजेशन, हम वाराणसी जो 1000 वर्ष पुराना शहर है उसको हम मॉडर्नाइज कर रहे हैं, उसमें स्मार्ट सिटी के हम फीचर्स दे रहे हैं। पर दुख की बात यह है कि कई हम में से हमारी जो सिविलाइजेशनल इथॉस है कई हजार वर्ष की, उसको हम डिफाइन करते हैं 190 वर्ष जो हम कॉलोनियल डोमिनेशन में रहे। सन 1700 में जब मुगल एम्पायर का समय था, उस समय कुछ हमारे व्यापारी लोग ऐसे थे जिनको मुगल एम्परर ने जगत सेठ का टाइटल दिया। जगत सेठ का मतलब है बैंकर्स ऑफ द वर्ल्ड। वो इसलिए क्योंकि 1720 में जगत सेठ की जो इकोनॉमिक स्टैंडिंग थी वो यूके की इकोनॉमी से बड़ी थी।